आगरमालवा से खबर है, जहां पर दिवाली को लेकर के पीएम मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की लोकल फॉर वोकल की अपील का जोरदार असर देखने को मिल रहा है। बाजारों में लोग चाइना और विदेश प्रोडक्ट्स की बजाय स्वदेशी दिए और लाइट्स की खरीदारी कर रहे हैं, जिसको लेकर शिल्पकार भी खुश नजर आ रहे हैं। भोपाल में रविवार को गांधीनगर के फादर एंजल स्कूल के सामने ग्राउंड में नेशनल सुपर क्रॉस चैंपियनशिप शुरू हुई और एसएक्स वन क्लास में राइडर्स ने दम दिखाए। गॉड स्पीड रेसिंग एसोसिएशन और भोपाल मोटर स्पोर्ट्स की ओर से आयोजित इस चैंपियनशिप में 80 से ज्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया। ये FMSCI नेशनल सुपर क्रॉस चैंपियनशिप का तीसरा राउंड है। यहाँ 10 से 14 साल एज ग्रुप के राइडर्स ने भी अपना कमाल दिखाया। इससे पहले इसका पहला और दूसरा राउंड नासिक और कोयम्बटूर में हो चुका है। अगले राउंड पंचगनी, कोच्चि और बेंगलुरु में आयोजित होंगे। प्रतिभागियों का कहना है कि यहां का ट्रैक काफ़ी मुश्किल और चुनौतियों से भरा था। पाल के जिन्होंने तैयार किए पार्टिसिपेट करा था वो थर्ड राउंड से जुड़े, तो वो अभी मुझे लगता है कि वो लर्निंग स्टेज में है। सुपर क्रॉस इवेंट बहुत प्रैक्टिस का होता है। आप देख रहे हैं TVS रेसिंग कंपनी आई है यहाँ पर, हीरो मोटर स्पोर्ट्स की टीम आई है, KTM की टीम आई है, और इन सब के राइडर्स इंटरनेशनल जाके, जैसे स्पेन में फैसिलिटी है तो वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि इसमें बाइक से 20 फीट से हवा में जंप लेना पड़ता है और ऐसे 8 लैप्स होते हैं, तो इसको चलाना कोई इजी बात नहीं है। इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, फिटनेस की ट्रेनिंग होती है, तो ये एथलीट्स आर इक्विवेलेंट टू जो लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, वही फिजिक फिटनेस होती है इन लोगों की। दमोह से खबर है, जहां पर नौटा थाना क्षेत्र में 43 बैलों के शव मिलने से हड़कंप मचा, तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। प्रशासन की टीम ने मामले की जांच भी शुरू की। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। शुरुआती जांच में बैलों की मौत हो जाने के बाद जंगल में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। तो दमोह में मवेशियों के शव मिले हैं, सनसनी फैल गई है। 43 बैलों के शव मिलना बताए जा रहे हैं। फिलहाल जांच पड़ताल पूरे ही मामले में जारी है। मवेशियों के शव मिले हैं, सनसनी फैली है। हालांकि कहां इतनी बड़ी संख्या में ये शव आए हैं, 43 बैलों के शव बताए जा रहे हैं। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज हुआ है। फिलहाल तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। दमोह का हम जिक्र कर रहे हैं, मवेशियों के शव मिलने से सनसनी। तो टीम पहुंच चुकी है मौके पर, जांच पड़ताल कर रही है पूरे मामले में ही कि आखिर इतनी सारी संख्या में ये शव आए कहां से। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला भी फिलहाल दर्ज किया गया है। 43 बैलों के शव मिले हैं और अब मामला दर्ज हुआ है। हालांकि जांच का विषय है कि आखिर कैसे इन सब की मौत हुई या मारा गया है, जाँच हो रही है। 40-42 की संख्या में बैल मृत पाए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया कि किसी बड़े वाहन में भर के उनको ले जाया जा रहा था और मृत होने पर उनको यहाँ जंगल का जंगल देखकर यहाँ छोड़ के चले गए हों। अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम और इसके अलावा और भी धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आगे जो सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर की आपको जानकारी दे रहे हैं, दमोह का जिक्र कर रहे हैं। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। इस पूरे मामले में दरअसल 43 शव जो हैं पाए गए हैं, बैलों के शव बताए जा रहे हैं। हालांकि अब क्या इनकी कैसे मौत हुई है, किसी ने कुछ खिला दिया है, क्या है पूरा मामला, ये जानेंगे। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बड़ी संख्या में यहाँ पर मवेशियों के शव पाए गए हैं, शुरुआती जांच में क्या कुछ पुलिस कह रही है?
अनिश्चित मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बड़ा मामला है, दमोह जिले के नोटा थाना अंतर्गत ये पूरा मामला है। चूंकि 43 शव मिले हैं मवेशी के, जिसमें सभी बैल है। जैसा कि पुलिस बता रही है कि किसी बड़े कंटेनर में मौत हो जाने के बाद उनको वहां पकड़ के फेंका गया है। आपको बता दूं कि दमोह जिले में लगातार पशु तस्करी के मामले आते हैं, अवैध रूप से पशुओं की तस्करी के मामले होते हैं। गौवंश को लेकर लगातार हिंदू संगठन आंदोलन भी करते हैं, और इसी तरह का ये मामला है। जब यहाँ से वन विभाग के अमले के द्वारा जानकारी दी गई कि एक साथ जंगल में 43 शव बैलों के पड़े हुए हैं, तो उसकी सूचना वन विभाग के साथ पुलिस को दी गई। प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और वहां पर अब उन पशुओं को वहां पर ही गड्ढा खोद करके उनकी समाधि बनाए जाने की बात भी कही जा रही है। क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में है, तो निश्चित ही जांच का बड़ा विषय है, और जांच के आदेश भी कलेक्टर के माध्यम से दिए गए हैं कि किस तरह से पशु वहां पर पहुंचे थे। तो निश्चित ही अवैध रूप से जो पशुओं का परिवहन किया जाता है, उनमें ही ये मामला लग रहा है, और इस मामले पर प्रशासन और पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। जी ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दमोह से आपको दिखा रहे हैं। 43 मवेशियों के शव पाए गए हैं, और आशंका है कि ट्रक में भरकर ले जा रहे होंगे और इनकी मौत हुई होगी और यहाँ पर फिर इन्हें छोड़ दिया होगा। अभी जांच का विषय है, पोस्टमार्टम भी होगा, सारी चीज़ें निकल करके सामने आएंगी। अब आइए देखते हैं टॉप 20। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मिस इंडिया निकिता पोरवाल अपने गृह नगर उज्जैन पहुंची हैं। उज्जैन पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वो बाबा महाकाल के मंदिर पहुंची हैं, उन्होंने महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया है। बाबा महाकाल के दर पर निकिता पोरवाल, ये तस्वीरें आपके सामने उज्जैन की इस वक्त आप देख रहे हैं। महाकाल के दर्शन करने के लिए निकिता पोरवाल पहुंची हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।